अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जो पड़ोस में बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दें ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर भी करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गगनदीप और आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आप लोगों को इस वीडियो में सिखाने वाले हैं फ्रंट फ्लिप। फ्रंट फ्लिप कैसे की जाती है हम इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ सिखाएंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें वरना आप लोग फ्रंट फ्लिप नहीं सीख पाएंगे। तो लेट गेट स्टार्ट है। तो हम आप लोगों को पहले डेमो दिखा देते हैं, फ्रंट फ्लिप का डेमो देख लीजिए। तो आप लोगों ने अभी जो डेमो तो देख लिया, अब हम आपको सिखाते हैं कि करना कैसे है। तो फ्रंट फ्लिप करने के लिए हमें सबसे पहले ड्राइव रोल और एक रोल आना जरूरी है, ठीक है। तो हम आपको पहले रोल दिखाते हैं और फिर दिखाते हैं ड्राइव रोल। तो देखिए ये खाली हमारा रोल हो गया, ठीक है। अब ड्राइव रोल देखिए, आप लोगों ने रोल और ड्राइव रोल तो देख लिया, अब आपको करना क्या है वो हम आपको बताते हैं। आपको स्पीड में भाग के आना है, दोनों पैरों से ऊपर ये हाइट फेंकनी है, ठीक, इस तरीके से ये हाइट, हाथों को इस तरीके से बहुत स्पीड में घुमाना है, और यहाँ से देखिए ड्राइव रोल, ठीक है, और ये नीचर, ये ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी ऊपर ये फोल्ड होगी उतनी ही आपकी बॉडी छोटी हो जाएगी और घूमने में आसानी होगी। तो सबसे पहले आपको यही ये एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद में आपको रोल, फिर हाइट, फिर पूरी एक फ्रंट फ्लिप। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रोल करना है, धीरे धीरे रोल करते रहिए इस तरीके से, ठीक है, और अपने पैरों को पकड़ें। उसके बाद में आपको करना है ड्राइव रोल। ड्राइव रोल हमने बताया आपको, देखिए ड्राइव रोल, ये ड्राइव रोल करना है, पैरों को पकड़ के करना है। उसके बाद में आपको हाइट लेनी है ऊपर, ये बात कराना है स्पीड में, ये पैर रखने और यहाँ से हल्का बेंड होके ऊपर इस तरीके से बॉडी फेंक के इन्हें पकड़ के घुमाना है आपको पूरा शरीर, ठीक है। तो आपको यही करना है। तो इसकी प्रैक्टिस आप सबसे पहले रेत पे करें या फिर जिमनास्टिक मैट पे करें, तो इससे आपको इंजरीज के कम चांसेस रहेंगे। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतनी अच्छी आपकी फ्रंट फ्लिप आएगी। आप लोगों को अब हम फ्रंट फ्लिप का थोड़ा प्रोग्रेशन दिखा देते हैं, तो इससे आप लोगों को थोड़ा तरीका मालूम चल जाएगा कि किस तरीके से फ्रंट फ्लिप करनी है, किस तरीके से नहीं करनी है। तो देखिए तो फिर आप लोगों की लैंडिंग पहले ऐसी होगी, तो आप लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे आपकी फ्रंट फ्लिप क्लियर हो जाएगी। तो अब हम आपको बता देते हैं फ्रंट फ्लिप में आपको स्पीड और हाइट वगैरह ये सब कैसे लेना है, तो लैंडिंग किस चीज़ पे करनी है कि आपके पैर में चोट ना लगे। काफ़ी ज़्यादातर यही होता है कि पैरों में चोट लग जाती है लैंडिंग के समय पर। तो हम आपको बता देते हैं पहले हाइट कैसे लेनी है। तो आप लोग हाइट पहले देख लीजिए कैसे लेना है। आपको रनिंग करके आना है खूब स्पीड में, जितनी मतलब आप जितनी तेज़ स्पीड में रनिंग कर पा रहे हैं उतनी स्पीड में आप रनिंग करें, ठीक है। रनिंग करके आना है आपको, देखिए इस तरीके से आपको रनिंग करके आना है, और दोनों पैरों को इस तरीके से रखना है, और आपको पंजे से ऊपर हाइट लेनी है, ठीक है। ये नहीं कि आप आज पूरा पैर रख दिया और फिर रनिंग ले रहे हैं, ये गलत है, ठीक है। तो आपको भाग करके आना है और ये पंजे रखना है, यहाँ से ऊपर से हाथ आपको यहाँ से फेंकना है, ये नहीं फेंकना है ना ये फेंकना है, तो आपको यहाँ से ऊपर की ओर बॉडी फेंकनी है, ये फेंका और अपने घुटनों को सीने में मारना है, एकदम बॉडी पीछे घुमानी है, ठीक है। सबको आपको यही करना है, स्पीड में बात करके आना है इस तरीके से, पूरे हाथ इस तरीके से फेंक कर इस तरीके से आपको घुटनों को फोल्ड करके पूरी बॉडी को रोटेट करना है। और आपको इस पर स्पीड किस तरीके से निकालनी है वो हम आपको बताते हैं। स्पीड हमारी है जो वो इस तरीके से निकलती है कि हम रनिंग करके आए, यहाँ से ये हाइट ऊपर की ओर फेंकी और अपने पैरों को घुटनों को पकड़ लिए, ठीक है। तो ये कर लिया इतना, ठीक। उसके बाद में हमें करना क्या होता है, ये पकड़ कर हमें इस तरीके से पीछे ऊपर की ओर दोनों पैरों को फेंकना है, तभी हमारी स्पीड निकलेगी। तो हमें स्पीड में भाग करके आना है इस तरीके से, यहाँ से ये घुटने पकड़ के ऊपर की ओर हमें दोनों स्पीड में फेंकना है, तो यही हमारी स्पीड निकलेगी।
स्पीड में सबसे ज़्यादा आपको अपने पैरों को ध्यान देना है कि स्पीड में आए, यहाँ से अपने पैरों को भी खूब कस के ऊपर की ओर फेंकना है, तभी आप उधर बढ़िया लैंडिंग कर पाएंगे। और तीसरी बात आती है हमारी लैंडिंग किस चीज़ पर करनी चाहिए, पूरे पैर पे या पंजों पे या हील पे। तो हमें लैंडिंग करनी चाहिए पंजों पे, पंजों पे हमारा जो वेट होता है वो हल्का होता है, इसीलिए हम आराम से वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। तो पंजे पे अगर लैंडिंग करते हैं तो हमारे पैरों में झंझनाहट नहीं होगी, और पूरे पैर पे करते हैं तब भी झंझनाहट होगी, और एड़ी पे करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा चोट लग जाएगी। तो हमें पंजों पे करना चाहिए। और पंजे लाने कैसे हैं वो हम आपको बताते हैं कि आप यहाँ से जब अपनी बॉडी उठाएंगे ऊपर, पंजे से उठाएंगे, और माइंड में सेट करिए कि हमें उधर पंजे ही लाने हैं, तभी आपके पंजे आएंगे। अगर आप भूल जाओगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है तो आपके पंजे नहीं आएंगे। तो आपको यहाँ से उठाना है और ऊपर स्पीड में पैरों को फेंक करके रोटेट करके उधर पंजे लाने की कोशिश करनी है। तो हम आपको दिखा देते हैं स्पीड, हाइट और पंजे कैसे लाने हैं, तीनों चीज़ों को हम आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। तो देखिए हमने आप लोगों को बिल्कुल तीनों चीज़ें करके दिखा दी। तो यही फ्रंट फ्लिप होती है, तो आप लोग जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी फ्रंट फ्लिप आएगी। तो आपको बस प्रैक्टिस 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 जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी फ्रंट फ्लिप आएगी। तो ये फ्रंट फ्लिप है, आप लोगों को हम कुछ स्लो मोशन दिखा देते हैं, फ्रंट फ्लिप का स्लो मोशन देख लीजिए, ठीक है।